नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ मीनाक्षी। आज से लगभग एक सदी पहले 1927 में, जिसे आज हम आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन तब इसे आईबीसी के नाम से जाना जाता था, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। आज से इतने साल पहले और तब से लेकर आज तक रेडियो सुनने में, सुनने वालों में बहुत से बदलाव आए, और इन सभी बदलावों को दर्ज किया गया है किताब में। किताब का नाम है रेडियो फॉर द मिलियन। इस किताब को लिखा है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली डॉक्टर इजाबेल वाकुहा एलोंसो ने। आज स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर इजाबेल खुद मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे किताब के बारे में, भारत के और सरहद पार के लिए, के श्रोताओं के लिए, सुनने वालों के लिए क्या रेडियो का महत्व था, किस तरीके से रेडियो की ये जर्नी आगे बढ़ी, इसे इन्होंने इस किताब में दर्ज किया है। आइए उनसे बात करते हैं। वेरी वेलकम टू द स्टूडियो डॉक्टर इजाबेल। माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, व्हाई डिड यू थिंक ऑफ राइटिंग अ बुक? यू आर टीचिंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज, बट व्हाई वुड यू चूज अ सब्जेक्ट लाइक दिस, द रेडियो हिस्ट्री, द साउंड हिस्ट्री ऑफ अ रीजन दैट इज सो फार फ्रॉम द प्लेस यू वर बॉर्न इन? That was too far from the interest which are generally we see in a South Asian or Middle Eastern or African studies department. It is very different from the work you have been doing in your academics. So, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। I feel कि सवाल का बहुत से जवाब हो सकते हैं। तो इसमें radio, हमने बिल्कुल नहीं ऐसे ही काम शुरू किया कि मैं रेडियो पर एक किताब लिखूंगी और कि बस वही काम ही करूंगी। असल में आई बिगैन डूइंग अ पीएचडी इन साउथ एशियन हिस्ट्री इन 2009, एंड आई वांटेड टू वर्क ऑन द मॉडर्न टाइम पीरियड। हम हिंदी उर्दू सीख रहे थे, एंड आई वाजंट रियली श्योर व्हाट आई वांटेड टू वर्क ऑन, एंड आई बिगैन विद अ प्रोजेक्ट ऑन सुभाष चंद्र बोस एंड द INI। और उस प्रोजेक्ट में हमको आज़ाद हिंद रेडियो के बारे में मालूम हुआ, और बस सबसे इंटरेस्टिंग वही लगा और उसके साथ शुरू किया। और एंड फ्रॉम दैट इट रियली डेवलप्ड इनटू अ प्रोजेक्ट अबाउट रेडियो इन जनरल, एंड नॉट अबाउट अ सिंगल रेडियो स्टेशन, नॉट जस्ट अबाउट ऑल इंडिया रेडियो और आज़ाद हिंद रेडियो और रेडियो पाकिस्तान, बट अबाउट मेनी रेडियो स्टेशन एवरीवेयर। बट इट वाज़न्ट अ प्लान्ड, वो एक डेवलपमेंट हम कह सकते हो, जो धीरे धीरे आइडिया डेवलप हुआ है। और अभी 10 साल लगा किताब लिखने में, और अभी आई वुड से दैट उस जमाने में हम बिल्कुल नहीं गेस कर सकती हैं कि ऐसे ही किताब हम लिखने वाली थी। सो आई वुड से, आपने ये नाम क्यों चुना, रेडियो फॉर द मिलियंस? ये ये एक अनयूजुअल नाम है। जनरली अगर हम एक हिस्ट्री दर्ज करते हैं तो हम लोग इस तरीके के नाम नहीं सुनते हैं, ये नाम कैसे आपके जहन में? हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी कहानी है। असल में हमने रेडियो ब्रॉडकास्टर अमीन सयानी का इंटरव्यू कर रहे थे। हम इनसे बात कर रहे हैं इनके रेडियो प्रोग्राम्स के बारे में, बिना का गिदमाला ऑफ कोर्स, पर दूसरे रेडियो प्रोग्राम्स के, और वो बता रहे थे कि असल में हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोग मेरे प्रोग्राम्स के बारे में बात करें, कि लोग सुने लेकिन लोग भी बात करें। तो उन्होंने बताया था कि जैसे बिना का गिदमाला के लिए सबसे अहम था कि लोगों को याद करे कि कौन कौन सा गाना मतलब ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, कि ये लोग याद करें और बात करें। उसके बाद उन्होंने बताया था कि बीबीसी के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था, उसका नाम था म्यूज़िक फॉर द मिलियंस है। हमने बहुत ढूंढा ये प्रोग्राम, अब मिल नहीं रहे थे, आखिर में तो मिल गया, लेकिन म्यूज़िक के फॉर द मिलियंस से वो आइडिया आया था, रेडियो फॉर द मिलियंस। और अमीन सयानी ने भी बताया था कि यही प्रोग्राम वो इंग्लिश में था, और बहुत से ज़्यादातर उनके प्रोग्राम्स तो हिंदी में था, तो जो इंग्लिश में था और ये म्यूज़िक फॉर द मिलियंस। बस आइडिया बहुत अच्छा लगा कि म्यूज़िक फॉर द मिलियंस, रेडियो फॉर द मिलियंस। और मेरे जो डिसर्टेशन है जिस पर वो किताब बेस किया, उसका नाम था रेडियो फॉर द मिलियंस, एंड देन आई मेड इट इनटू द बुक फॉर रेडियो फॉर द मिलियंस। और उसका जो थीम बहुत ठीक से मतलब फॉलो करते हैं। आपने उसके साथ जोड़ा है हिंदी उर्दू ब्रॉडकास्ट अक्रॉस द बॉर्डर, क्योंकि साउथ एशिया का ये जो सब कॉन्टिनेंट है, इसमें जो तीनों चारों देश हैं, इनकी कहीं ना कहीं हिस्ट्री जुड़ी रही है आपस में। और अगर हम रेडियो हिस्ट्री की बात करेंगे तो वो भारत और पाकिस्तान की कॉमन ही है। बंटवारे के बाद में रेडियो पाकिस्तान बना, बट कहीं ना कहीं जो जुड़ाव था वो थ्रू, आप चाहे उसे रेडियो सिलोन के जरिए कह लें, वो बना ही रहा था एक तरीके से। एब्सोल्युटली। और असल में
जब हिस्टोरियन साउथ एशियन हिस्ट्री को देखते हैं, एक तरह का सोचते हैं कि 1947 वो ब्रेकिंग मोमेंट है और उसमें इंडिया पाकिस्तान बन गए और सब अलग हो गया। और सच तो था, ब्रेकिंग मोमेंट तो था और सब कॉन्टिनेंट तो अलग तो हुए, लेकिन रेडियो की दुनिया में ऐसे नहीं हुआ। रेडियो पाकिस्तान थे, ऑल इंडिया रेडियो थे, लेकिन रेडियो सलोन भी शुरू होने लगे और उसमें बहुत एक्सचेंज होते रहे। तो वो एक्सचेंज बहुत अहम था और वही हमारा फोकस है इस किताब में। तो उसकी वजह से वो नाम है हिंदी उर्दू ब्रॉडकास्टिंग अक्रॉस द बॉर्डर्स, वो क्योंकि ये किताब का फोकस है आखिर में। जी, आपने बताया कि आपका इंटरेस्ट जो इस सब्जेक्ट में हुआ था वो जब आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में रिसर्च कर रहे थे, जब आपने उनके रेडियो के बारे में जाना। शुरुआत हम जो आपकी किताब में दर्ज है वो जो एक्सिस रेडियो है, जो जैसे जब भारत में शुरुआत हो रही है रेडियो की, उसके लिए जो हमारी उस वक्त की ब्रिटिश सरकार थी जो भारत को गवर्न कर रही थी, उनका सीधा मानना यह था कि उन्हें इसलिए रेडियो शुरू करना है क्योंकि जो इंडियन लिसनर्स हैं वो एनी हाउ उन तक एक्सेस रेडियो के थ्रू प्रोपेगेंडा पहुंच रहा है। उस वक्त वो एंटी कॉलोनियल था, वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था और उससे काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं ऑल इंडिया रेडियो को लाया गया था। बिल्कुल, पर क्या वो उस उद्देश्य में सफल हुए? क्योंकि जब हम बात करते हैं कि भारतीय उस समय क्या सुन रहे थे, भले ही एक बहुत छोटा तबका था जो सुन पा रहा था, जिनके पास इस तरह के साधन थे, इस तरह के मीन्स थे, या उस वक्त के लिहाज से कहें तो दे वर प्रिविलेज टू हैव एन एक्सेस टू ट्रांसमीटर्स देन। तब हम बात करते हैं, तब रेडियो लिसनर्स का जो हम देखते हैं कि तब वो जो रेडियो लिसनर्स थे वो कौन थे, क्या ब्रॉडकास्ट हो रहा था, INA को आपने किस तरीके से समझा और जो एक्सेस ब्रॉडकास्ट जो इंडियन सुन रहे हैं उसको आपने किस तरीके से समझा? जी, तो आप बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान में बात कर रहे हैं जी, और वो इस किताब का एक हिस्सा है, वन थर्ड ऑफ द बुक है, और वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम था। असल में रेडियो तो पहले ही शुरू किया, लेकिन बात यह कि बहुत डेवलप नहीं था, और जैसे आपने कहा वो बहुत डेवलप नहीं था क्योंकि अंग्रेज़ों को मालूम था कि अगर हम ज़्यादा इसको डेवलप करेंगे तो वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के लिए तो इस्तेमाल तो करेंगे। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के दौरान में जापान और जर्मनी से हिंदुस्तानी में बहुत से ब्रॉडकास्ट आने लगे और लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लिया थ्रू शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर और इंटरेस्ट लिया क्योंकि वो प्रेस बहुत ज़्यादा सेंसर्ड होने लगे, तो किसी तरह से वो न्यूज़ नहीं मिल रहा है उसके बारे में, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने लगे। जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए थे, वहाँ काम करने लगे इन लोगों के साथ, उन्होंने भी वहाँ एक रेडियो स्टेशन शुरू किया आज़ाद हिंद रेडियो में, लेकिन वो पॉपुलर होने लगे इसलिए कि वो एक्सेस रेडियो स्टेशन पहले से थे और वो उस वाले दुनिया में मूव कर रहे हैं। और ये रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए एक बहुत अहम मोमेंट है क्योंकि उस ज़माने में रेडियो बहुत अहम होने लगे क्योंकि वही एक तरीका था वो न्यूज़ को एक्सेस करने का, लोगों तक पहुंचने का। हाँ, लेकिन जैसे आपने बताया था और जैसे आपने कहा, वो असल में बहुत कम रेडियो रिसीवर्स थे जो रेडियोस, क्योंकि वो बहुत महंगे थे और क्योंकि वो वर्ड शॉर्टेज की वजह से हैं तो कम लोग सुन सकते थे, लेकिन उसका मतलब नहीं था कि रेडियो अहम नहीं था, क्योंकि लोग रेडियो ब्रॉडकास्ट के बारे में बात करते थे और वही बात है जो हम उसको रेडियो रेसोनेंस कहते हैं, बहुत अहम हो गया। इतना अहम हो गया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत परेशान होने लगे और उसके जवाब देने में ऑल इंडिया रेडियो को डेवलप करने लगे। पहले से था लेकिन और ज़्यादा ज़्यादातर न्यूज़ को वो डिवेलप करने लगे कि और होने लगा। किताब में आपने एक जगह लिखा है कि ब्रिटिश तो उसे कहते ही थे, और कहीं ना कहीं ये बात ठीक भी थी कि जो खबरें एक्सेस के थ्रू इंडियंस तक पहुंच रही थी उसमें बहुत सारा प्रोपेगेंडा होता था, बहुत सारी फेक न्यूज़ जैसे आज हम कह सकते हैं, जो फॉल्स न्यूज़ होती थी, उन्हें सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक भावना थी जो भारतीयों के भीतर, उसको भड़काए रखना चाहते थे कहीं ना कहीं, वही उद्देश्य था। बिल्कुल, वो था। लोग खुद भी इस बारे में वाकिफ थे, जैसे कि आपने किताब में सर्वे के द्वारा बताया कि बहुत सारे लोग प्रभावित नहीं थे, वो लोग सुन रहे हैं। एक फिनोमिना वहाँ पर जो मेंशन किया गया, मैंने लिखा भी है उसे, पीपल मे नॉट बिलीव बट हैड ग्रेट इंटरेस्ट। दैट्स करेक्ट, यस। अब मैं इसे जोड़ना चाहती हूँ जो आज का प्रेजेंट सिनेरियो है अक्रॉस द बॉर्डर्स। मैं केवल भारत की बात नहीं करूँगी, मैं कई देशों की, सब जगह का मीडिया इस समय एक कठिन दौर से गुजर रहा है, हर जगह सेंसरशिप के झंडे खड़े हुए हैं उस दौरान, और फेक न्यूज़ इस वक्त सबसे बड़ा जो एक मुश्किल जिसको कहते हैं वो सभी के लिए है। लगातार हम लोग वी आर ऑन आवर टूज टू फैक्ट चेक,
to cross check. There is misinformation, there is disinformation, there are fact checks about everything. अब जब मैं इस चीज़ को करंट सिनेरियो में समझूं जो हमने पहले कही है आज से लगभग सदी एक सदी पहले पीपल मे नॉट बिलीव बट दे हैड ग्रेट इंटरेस्ट दैट्स हाउ इट वर्क्स आज लोगों को शायद पता होगा कि वो जो सुन रहे हो सकता है वो फेक है बट दे हैव ग्रेट इंटरेस्ट इन दैट आप ये जो फिनोमेना है आप इस पर क्या कहेंगे जो पिछला आप देखते हैं उस हिस्ट्री के आधार पर तो आपने एकदम सही कहा वो आजकल के जमाने में हम लोग फिर से देख रहे हैं एंड आई वाज एक्चुअली फिनिशिंग दैट सेक्शन एट द टाइम दैट दैट ड्यूरिंग ट्रम्प्स इलेक्शन तो ये सब चल रहा है तब जमाने में द हॉट बटन टॉपिक्स राइट जो हर वक्त आ रहे हैं या एक्सिस रेडियो प्रोपेगेंडा वो झूठ बोलते थे वो बिल्कुल गलत न्यूज़ कहते थे चीज़ों को एक्सैजरेट करते थे और सही हाँ और एंटी सेमिटिज्म खूब था उसमें और सही न्यूज़ भी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं जो चीज़ें सच थे वो बताते हैं कि हम लोगों के सोल्जर्स को इस तरह के सैक्रिफाइस कर रहे हैं वॉर के दौरान और जो बिल्कुल सच था तो उसकी वजह से लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग था लेकिन ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा डिलेमा था कि हम लोग क्या करें उसके साथ थे तो ये लोग जो रूमर्स चलते थे उसकी वजह से जब सुभाष चंद्र बोस ब्रॉडकास्टिंग करने लगे तो वो बहुत से बातें होते हैं उसके बारे में इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तरह की बीमारी की तरह देखते थे कि ये बीमारी है और इंडियन लोग वैसे है इसलिए ये बीमारी है ये लोग नहीं देखते थे कि ये मीडिया का एक फिनोमिनन है और ये फिनोमिनन कब होता है जो फेक न्यूज़ स्प्रेड होते हैं जब गवर्नमेंट पर ट्रस्ट नहीं है और जब कोई वजह है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ट्रस्ट नहीं है और वर्ल्ड वॉर टू के दौरान वो तो एकदम सेंसरशिप में थे तो उस जमाने में वो एकदम इट वाज लाइक द परफेक्ट फील्ड टू ग्रो दैट काइंड ऑफ डिस्ट्रस्ट राइट एंड दैट्स व्हाई एक्सेस रेडियो स्टेशंस बिकेम सो पॉपुलर ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू कैन वी कंपेयर द टाइम टू नाउ एब्सोल्युटली आई मीन आई थिंक दैट देयर फर्स्ट ऑफ ऑल द मीडियास आर डिफरेंट राइट द मीडियम्स आर डिफरेंट But I think that there are certain scenarios that are fear-mongering that lead to more, that simply lead to the spread of rumors and lead to the spread of fake news. And I think that we're living in a similar moment. And the rise of social media is very not very different from the earlier time period, which was the rise of radio, which in the Indian subcontinent was World War II ke dauran, really. Would you explain more about Subhash Chandra Bose as a radio voice? Yeah, absolutely. So, Subhash Chandra Bose is often studied through his entire long career as an anti-colonial leader. And that's not necessarily incorrect, but that often misses the point that he was a foundational World War II character and a foundational World War II historical character that we need to look at in that perspective. On that during that time period, starting from starting since 1942, he was a radio voice. He was experienced as a radio that voice. That part has been often missed in Indian history books. Oh, bilkul. It was the very first time I was coming through Mr. Bose as a radio person. And a media personality and a radio voice. Absolutely. And hamara wahi. Desire tha ki usko explore kare as a radio personality. So I try to see the ways in which his broadcast circulated and the ways in which his afterlife and the association of rumors in his afterlife is actually related to the relationship between radio and rumor. Yes. During an earlier time period. Yeah. In the chapter, the Bose has been explored and there has been a parallel with him and Bhagat Singh. How do you reach there? I think it has to be done very carefully. Here I'm drawing on the work of a historian, Kama McLean, who has studied the ways in which Bhagat Singh used images and the ways in which images were so important to him. वैसा हम भी सोच सकते हैं सुभाष चंद्र बोस के साथ और किस तरह से उन्होंने रेडियो को इस्तेमाल किया. One of the arguments I make in that chapter is that वो एक conscious broadcaster था. उनको समझ में आता था कि रेडियो कैसे चलता है और रेडियो इंडिया में कैसा है वो तो बहुत ज़्यादा रेडियो लिसनर थे बहुत ज़्यादा एक्टिव रेडियो लिसनर थे और ये सब सोर्सेज दिखाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रेडियो ब्रॉडकास्टर भी थे और उनको मालूम था कि बहुत कम लोग मेरी आवाज़ सुन सकते हैं लेकिन उनको मालूम था कि हमारे बारे में लोग बात करेंगे
तो किस तरह से लोग बात करेंगे अगर हम ब्रॉडकास्ट करते, वो बहुत सोचते करते थे. So that's one of the efforts that I sort of explore in this chapter, in my desire to tell a different story of Subhas Chandra Bose's career through the radio and how he was experienced through the radio. बात करते हैं अब हम, बंटवारा हो गया है, बंटवारे के बाद जो भारतीय नीतियाँ बन रही थी, जो ऑल इंडिया रेडियो के लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, नई सरकार बनी थी, नई कैबिनेट थी. एक चीज़ जो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियली सामने आती है वो है रेडियो के प्रति जो एकदम राष्ट्रवादी रवैया हो गया था. बीवी केसकर थे, उन्हें लगता था कि भाषा के थ्रू, संगीत के थ्रू, इस सब के ज़रिए जो है आप जो भावना, बंटवारे के बाद दोनों ही देशों में काफ़ी गरीबी का लोग सामना कर रहे थे, तमाम मुश्किलें थीं, पर उसके बीच में भी कहीं ना कहीं ये कोशिश लगातार देखी जाती है कि आप एक भावना जो देश प्रेम है आपका, उसको बनाए रखने की, उसको जिलाए रखने की जो ज़रूरत है, उस पर जोर दिया जा रहा है. उसको जब हम जोड़ते हैं रेडियो से या पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग से, अगर हम वाइडर प्रोस्पेक्ट में कहें कि पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग, उसमें हम भाषा को लेकर उसमें तमाम चीज़ें थी, कैसे उससे उर्दू को हटाया जा रहा था. जबकि अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तानी बातचीत की, जैसे जिस भाषा में मैं बात करती हूँ, उसमें हो सकता है हिंदी के भी शब्द हों, उसमें उर्दू के भी शब्द हों, एक हिंदुस्तानी भाषा, एक आम आदमी वैसे ही बात करता है, और अब अंग्रेजी के शब्द भी उसमें जुड़ते जा रहे हैं. उसको हटाकर हम स्ट्रिक्टली ऐसी एक भाषा ला रहे हैं जो वीवी केसकर लेकर आए थे, जो उस वक्त के तत्कालीन जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, उनका कहना था भाई हिंदी में बात होनी चाहिए. संस्कृत निष्ठ हिंदी थी जिसमें क्लिष्ट शब्द होते थे हिंदी के, जो शायद एक आम आदमी और जो उस समय साक्षरता का स्तर था, लिटरेसी का जो भी लेवल था इंडिया में, उसके हिसाब से वो, मेरे ख्याल से वो ऐसा नहीं था कि उसे मासेस समझ सकते हैं. आप जब पहले लिखे लोग भी नहीं समझ सकते थे वो वाली हिंदी. यस जी. पर जब हम बात करते हैं पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग में उस लैंग्वेज की, तो आप कहाँ तक इसको जायज मानती हैं, कहाँ तक आपको लगता है कि आप देश प्रेम को बढ़ाने के लिए या उस भावना को जगाने के लिए भाषा को, या जैसे उन्होंने फिल्मी गानों को बैन कर दिया था रेडियो पर 1952 में, 5-6 साल बाद वो चीज़ वापस हुई, पर उसके पीछे था कि हम कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं. तो आप पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू कैसे लैंग्वेज को प्रिजर्व करने और कल्चर को प्रिजर्व करने के आइडिया को देखती हैं? Well, I think it's possible, but the 1950s project. So basically, aap second hissa ke baare mein pooch rahe hain, the book second section, which is on music and radio broadcasting, and the first chapter, which focuses on Bibi Keskar's campaign on the radio, which began a very Sanskritized version of Hindi and promoted classical music. Aur wahi wala project to buri tarah se fail kiya. जी. और बुरी तरह से फेल किया क्योंकि लोगों तक नहीं पहुंच सकते थे, जैसे आपने कहा, और इतने सांस्कृताइज हिंदी लोग नहीं समझ सकते थे, तो वो रेडियो को एक तरह के एंटरटेनमेंट के लिए जाते थे. और जब रेडियो डायडैक्टिक हो गया, जब रेडियो बता रहा है कि ऐसे ही हिंदी में बोलना चाहिए, देश के लिए ये अच्छा होगा, तो सिर्फ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक और कर्नाटक क्लासिकल म्यूज़िक सुनना चाहिए और हिंदी फिल्म सब गलत है, तो तब वो रेडियो में मज़ा नहीं आया था. वो मज़ा नहीं था, वो एक डाइडैक्टिक प्रोजेक्ट, वो सिखाने के लिए था. एंड आई मीन आई कॉल इट अ सोशल रिफॉर्म प्रोजेक्ट, लेकिन मे बी टीचिंग वाला ज़्यादा अच्छा है उसके लिए. तो वो बुरी तरह से फेल्ड हुआ. असल में लोग ऑल इंडिया रेडियो से दूर जाने लगे क्योंकि वो प्रोग्राम एक तरह का बस अट्रैक्टिव और मज़ा नहीं था. और एक्जैक्टली उस जमाने में रेडियो सेलोन श्रीलंका में एक नया प्रोग्राम शुरू किया जिसमें ये लोग हिंदी फिल्म सॉन्ग्स बजाने लगा, वहाँ रेडियो में थे, और जिसमें वो वाली संस्कृताइज वाली हिंदी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते, आम बोल, राइट, उसमें वो होने लगी, और ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है. डोंट यू थिंक दिस आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इज़ टू नैरो? बीबी केसकर इज़ कंसर्न्ड विद हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, व्हिच वाज स्ट्रॉन्गर देन हिज कंसर्न विद संस्कृताइज हिंदी. असल में संस्कृताइज हिंदी में इनसे पहले शुरू हो गया, सरदार पटेल ने शुरू किया जब उन्होंने हिंदुस्तानी को हटा दिया और हिंदी उर्दू अलग ब्रॉडकास्टिंग करने लगे. तो उनका वो फोकस था वो म्यूज़िक पर था, और उनका जो आइडिया है कि हिंदी फिल्म सॉन्ग्स वो नेशनलिज्म के लिए, इंडिया के लिए अच्छे नहीं है, वॉज क्वाइट नैरो. And it had a version of Indian nationalism that imagined it as excluding anything that was close to Urdu and anything that felt anywhere near foreign.
So he disliked Hindi film songs because he felt that they were too influenced by Western music. Aur kyunki usme jo lyrics hai wo sab Urdu mein hai, inki soch mein the. So yeah, absolutely. I mean, it's too narrow and bas maza nahi aata tha logo ko. Aur aakhir mein radio un logo ke liye wo entertainment ke liye tha. Aur sabse ahem us zamane mein wo music sunna tha. Aur agar wo music nahi hai jisme unko sunna tha, to wahan nahi tune in karenge. To sab log radio salon mein jaane lage. Let's talk about radio salon. 1949 mein ye kis tarah se bana hua, ek alag hi kahani hai jo bahut lambi hai, jise hum is interview mein nahi samet payenge. पर रेडियो सिलोन आया और कमर्शियल जो एस्पेक्ट था वो उसमें जुड़ा. जब हम बात करते हैं कि कमर्शियल एस्पेक्ट जुड़ रहा है किसी चीज में, और उससे जो सबसे मुझे दिलचस्प बात लगती है रेडियो सिलोन को लेकर, वो है कि वो एक ऐसा स्टेशन है जो ना भारत में है ना पाकिस्तान में है. बिल्कुल. पर वो दोनों देशों को जोड़ रहा है. वो जिस हम भारत में बैठ के जो हमारे नेता थे उस वक्त के जो देश को चला रहे थे, वो सोचते थे कि हम फला भाषा में देंगे तो भारतीय श्रोता जुड़ेगा. सेम सरहद पार चल रहा था, वहां की जो पाकिस्तानी सरकार थी उनके लिए भी यही उनके एजेंडा में था कि नहीं, हमारे प्रोग्राम्स ऐसे होने चाहिए, हमारी जो हमारे देश के प्रति भावना है वो जगाई चाहिए. ये इन सब चीजों के ही बीच में उसी बंटवारे के दौर के पास 1949 वही समय था दोनों देश बंटने के बाद, एक तीसरा देश है जिसने एक ट्रांसमीटर अपने स्थापित हुआ है उसके यहाँ जिस भी तरीके से, उससे वो सरहद पार के उन दोनों देशों को कनेक्ट कर रहा है, और उसके लिए ना भाषा कोई समस्या है ना उसके लिए म्यूजिक कोई समस्या है. ये एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है. ये जो पूरी कहानी है इसे बताइए. तो बहुत लंबी कहानी है लेकिन थोड़ी सी बताऊंगी. रेडियो सलोन का एक बहुत अच्छा ट्रांसमीटर था वो वर्ल्ड वॉर टू की वजह से, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने इस्तेमाल किया वो सोल्जर्स के लिए, और वहाँ रह गया. तो उन लोगों ने कमर्शियल स्टेशन शुरू किया, और उसका गोल क्या था, किसी तरह से पैसा कमाएंगे, पैसा कमाने के लिए हमको समाइन की ज़रूरत है, वो लिसनर्स होना चाहिए. तो इन लोगों ने क्या किया, हिंदी उर्दू में ब्रॉडकास्ट करने लगे, हिंदुस्तानी में. और उन लोगों ने थोड़ी सोचा है कि हम इंडिया के पॉलिसी के अगेंस्ट जाएंगे, पाकिस्तान की पॉलिसी अगेंस्ट जाएंगे. ये लोग सिर्फ हिंदी फिल्म सॉन्ग्स पॉपुलर थे, ये ब्रॉडकास्ट करने लगी. उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो बीबी कैस्कर के साथ अपने कैंपेन शुरू किया, तो ये स्टेशन एक तरह के ब्लो अप हुआ, इतने ज़्यादा पॉपुलर होने लगे. और इन लोगों ने उसका वो मौका पूरी तरह से उठाया, पूरी तरह इस्तेमाल किया, और ज़्यादा ब्रॉडकास्टर्स इंडिया से लेकर आए थे, अपने प्रोग्राम को डेवलप किया. एक तरह के रिश्ता इन लोगों ने बनाया था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ है, और अलग तरह से के इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स बनाने लगा लिसनर्स के लिए, और वैसे ही आम जबान में बात करते थे जैसे लोग बोलते थे. अगला सवाल यही है, जो रेडियो सिलोन की सफलता है, इन द सक्सेस ऑफ रेडियो सिलोन हाउ इम्पोर्टेंट इज द लैंग्वेज दे हैव बीन यूजिंग. वो तो सबसे ज़्यादा अहम है, वो तो एकदम सेंटर में है. जितना अहम गाने थे इतना अहम लैंग्वेज है. अगर आप अमीन सयानी से बात करते तो वो हमेशा बात करते हैं कि असल में हम हिंदी ब्रॉडकास्टर नहीं है, उर्दू ब्रॉडकास्टर भी नहीं, हम हिंदुस्तानी ब्रॉडकास्टर, और वो एकदम सिंपल हिंदुस्तानी में है. और उन लोगों ने ऐसे ही बात की कि सिर्फ नेटिव हिंदी स्पीकर्स ना समझें, नेटिव उर्दू स्पीकर्स नहीं है, गुजराती स्पीकर्स भी समझ में आए, पश्तो स्पीकर्स भी है. और उसमें वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखा कि वो सिंपल होना चाहिए और मज़ेदार होना चाहिए. और वो जैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के वैसे ही इन दैट सेम लहजा, इन दैट सेम सॉर्ट ऑफ एंगल फॉर इट. बट देयर कैंपेन वाज नॉट वन दैट वाज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल आइडियल्स, इट वाज वन दैट वाज बेस्ड सिर्फ समाइन तक पहुंचना है, सिर्फ लिसनर्स तक, श्रोताओं पर पहुंचना है, बस यही है. एंड इट वाज सक्सेसफुल बिकॉज इट क्रिएटेड दैट कनेक्शन. It was not didacted. It created a connection that centered the listener. And in the book, I described the various programs that allowed that to happen. Binaka Gidmala sabse mashhoor hai, lekin wo ek program tha. Uski tarah to bahut se programs hai, jo shayad kuch logon ko yaad karenge. Gito Bari Kahani, jiske bare mein hum log baat kar rahe hain, Pangat Par, na jis tarah se log letters bechte the aur likhte the apne kahaniyan hain. Gito Bari Kahani, Pangat Par. ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स थे ना, सो उस क्रिएटिविटी के साथ कनेक्शन को अब तक ढूंढा जा रहा था, जो अब तक एक्सप्लोर नहीं किया गया था. रेडियो सोलो ने उस जगह को दे टच दैट, जो कनेक्शन ऑडियंस के साथ में नहीं बन पा रहा था. बट देयर इज अनदर वे दैट वन नीड्स टू सी इट टू, व्हिच इज द पार्टीशन हैपेंड इन 1947, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन लोग अलग नहीं हुए, ऑल ऑफ अ सडन लोग की जबान अलग नहीं हो गई. लोग अभी तक एक ही टेस्ट में थे, लोग अभी तक सिमिलर इंटरेस्ट में थे,
और ये रेडियो सलाम ब्रॉडकास्टर समझते थे, तो इसलिए ये लोग ऐसे ही किया कि वो इंडिया पाकिस्तान के लिए ठीक था ये ना, क्योंकि द पार्टीशन ऑब्वियसली हैड अ ह्यूमंगस इफेक्ट, बट द टेस्ट डिड नॉट चेंज इमीडिएटली, व्हिच मेंट दैट देयर वाज स्पेस फॉर इट एंड द ट्रांसमिटर अलाउड देम टू यूज दैट एंड दे रियली took on that opportunity. And you can say that Radio Ceylon filled that void that has been created. It's the perfect way to say it, I think. They filled that void in beautifully. And they did it and they did it within a decade. And that's why listeners abita kahete ki Radio Ceylon king of the airwaves, right? Do you think that was a conscious effort from their side that to fill the void, or it was just random, as random as it could be? No, it's a conscious effort from their side to fill it. It's an awareness of it. In logo pata chala. It was not a political program from their side. I think that would be wrong to see it. I mean, even the broadcasters that work for there, hum to kehna chahiye ki us kaam karne ke liye humne bahut se broadcasters ka interview kiya aur uski wajah se kitab likh paye thi na. Aur in logo ko malum tha ki ye void hai. In logo ko malum ki ye log bhi radio sunte the. कि लोगों को क्या चाहिए, तो ये कॉन्शियस तो था, लेकिन इट वाज नॉट, आई थिंक इट वुड बी रॉन्ग टू थिंक दैट इट वाज लाइक अ डिजायर टू गो अगेंस्ट इट डायरेक्टली गवर्नमेंट एंड बोथ द नेशंस. देयर वाज एन अवेयरनेस ऑफ व्हाट ऑल इंडिया रेडियो वाज डूइंग रॉन्ग, कैसे करे, बट इट वाज नॉट अ पॉलिटिकल प्रोजेक्ट. आई थिंक ये इन द वेज दैट बीबी केसकर्स प्रोजेक्ट वाज अ पॉलिटिकल प्रोजेक्ट एंड इन द वेज दैट द 1965 वॉर वाज अ पॉलिटिकल प्रोजेक्ट. Come back to All India Radio. It started playing songs in 1957, and जी. Then there was Vivid Bharati. जी जी. The commercial broadcast service of All India Radio. जी बिल्कुल. Can we call it the extension of Radio Ceylon? Because एक वक्त के बाद में Radio Ceylon की भी जो चमक है वो फीकी पड़ने लग गई थी. उसके बाद तब तक विविध भारती सिनेरियो में आ चुका है. सरहद पार अपना रेडियो पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ अपना कर रहा है प्रोग्रामिंग के लेवल पर. बट कैन वी कॉल विविध भारती एन एक्सटेंशन टू व्हाट रेडियो सेलोन हैज बीन डूइंग फॉर यू? विविध भारती वाले लोगों को नहीं अच्छा लगेगा अगर आप एक्सटेंशन कहेंगे. आई वुड से मोर डिप्लोमेटिकली, आई वुड से दैट रेडियो सेलोन एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ सो वेल दैट इट बिकेम द डिफॉल्ट ऑफ रेडियो कैसे होना चाहिए. म्यूजिक के लिए, हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के लिए, हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कैसे ब्रॉडकास्ट करना चाहिए एकदम स्टैंडर्ड हो गया है. तो उसकी वजह से विविध भारती जब आने लगी 1957 में, उनके बहुत से प्रोग्राम्स एक तरह के एम्यूलेट करते थे ना. तो एक्सटेंशन नहीं कहेंगे, लेकिन कहेंगे कि ये रेडियो सेलोन का पावर इतना हो गया है, इतना वो स्टैंडर्ड हो गया, बता दिया, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि ये पॉपुलर है, लिसनर्स को ये पसंद है, और अगर ये किया जाएगा तो शायद आप कि ये स्टैंडर्ड. आई मीन एंड यू कैन डू अनदर स्टडी, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी जो हम यहाँ नहीं करती हूँ, जो विविध भारती और रेडियो सेलोन कंपेयर करते हैं और जब देखते हैं दोनों साथ कैसे चलते हैं. बट द स्टैंडर्ड वॉज नॉट ओनली फॉर विविध भारती. रेडियो पाकिस्तान बिगैन टू हैव वेरी सिमिलर प्रोग्राम्स टू पाकिस्तानी गानों के साथ, पाकिस्तानी फिल्म गानों के साथ, जैसे गीतों बारी कहानी वो रेडियो कराची में भी चलते थे, राइट? सो आपकी किताब में इस पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं, जो किताब के अगर हम चैप्टर्स वाइज चलते हैं तो इस जो क्रोनोलॉजिकली आता है वो है 1965 की वॉर वाला जो पूरा सिनेरियो है. उस बीच में मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि 1965 का जो वॉर था उसमें रेडियो पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए गए थे जिससे कि वहाँ के लोगों में जोश भरा जा सके, कुछ इस तरीके के. इसके जवाब में भारत सरकार की तरफ से ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की शुरुआत हुई थी. We'll directly come to that. जी आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं कि आप एक, क्योंकि भारत के कुछ हिस्सों में सरहद के पास के, क्योंकि भले ही वो मीडियम वेव ट्रांसमीटर्स हैं पर फिर भी वो भारत के कुछ हिस्सों में सुने जा रहे हैं. बिल्कुल. उस टाइम वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता, तो वेस्ट पाकिस्तान से जो शहर लगे हुए हैं भारत के वो आसानी से उनको सुन सकते थे. इस वजह से भारत सरकार को कहीं ना कहीं ये ज़रूरत लगी कि क्या उन लोगों के लिए उर्दू सर्विस शुरू करने की ज़रूरत है जो सरहद के आस पास के इलाके हैं. Yeah, well, it's very interesting. Actually, the AIR Urdu service was created only for West Pakistan. Unka maksad wo tha West Pakistan ke listeners tak pahunchna hai. Aur wo 1965 ke baad wo relations dono deshon mein khatam ho gaye. To ek tarah ki wo Pakistani public ko kaise pahunchenge, kaise batayenge India ki kahani. Aur ye shuru hua Tashkent ke dauran jab wo negotiations chal rahe hain, to wo sirf news batane ke liye, bas in logon ko news batana tha ki India ki perspective kya tha. Aur wo raat ko hote the kyunki Radio Pakistan sone ke baad ye log ye sunenge.
कुछ ब्रॉडकास्टर समझ में आया था कि कोई नहीं सुनेगा अगर कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, तो हिंदी फिल्म्स को ऐड किया, तो तब और आने लगे जी, तब थोड़ा और बढ़ाया। जब हम हिंदी प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल मस्ट हो जाता है कि जिक्र आवाज़ दे कहाँ है का, हाँ। और किस तरह से ये जो शो था AIR उर्दू सर्विस का, ये कितना पॉपुलर हुआ, दोनों तरफ लोगों ने इससे कितना कनेक्ट किया। आप इस किताब में, अगर दर्शकों को मैं बता दूं कि अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से लोग, पाकिस्तान के लोग थे जो अपने हिंदू जो यहाँ से गए थे, वो अपनी पुरानी कहानियाँ भेजा करते थे, जो भारत के लोग हैं वो अपने दोस्तों के बारे में पूछा करते थे कि पाकिस्तान के फलां शहर में ये व्यक्ति रहते थे, क्या अभी वो वहीं हैं। एक बार एक किस्सा है शायद बुलंदशहर के, थैंक यू फॉर रीडिंग इट, बुलंदशहर में क्या आम का वो बाग अभी भी है, तो इधर से हिंदुस्तान से किसी लिसनर ने खत लिखकर बताया कि हाँ वो अभी भी है। तो ये जो छोटी छोटी कहानियाँ रेडियो से जो लोग कनेक्ट कर रहे हैं, खासकर AIR उर्दू सर्विस से, कहीं ना कहीं ये जो इंडियन पॉलिटिक्स जो इधर अलग चल रही है और ये जो रेडियो कर रहा है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसे आप कैसे देखेंगे? लोगों ने, हाँ, ऑल इंडिया रेडियो उर्दू ने, उनका मकसद नहीं था इंडिया को, इंडियन लिसनर्स के पास जाना, उनका मकसद वो पाकिस्तान पर बस न्यूज़ पहुंचाना है, लेकिन वही ब्रॉडकास्टर्स ने उन लोगों ने बनाया था, और उन लोगों ने वैसे ही ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस को बनाया था कि वो दोनों साइड्स के लिए कनेक्शन हो जाए, और उसमें सबसे अहम वो लिसनर्स के लेटर्स है, और जो लिसनर्स के लेटर्स में ज़्यादातर वो कहानियाँ में चलते थे, और उससे बहुत से प्रोग्राम्स बन गए, उसमें एक था वो आवाज़ दे कहाँ है, और आवाज़ दे कहाँ के प्रोग्राम वो सिर्फ पार्टीशन की कहानियों के बारे में, कनेक्शंस के बारे में थे, और गाने सुनाते थे जो पार्टीशन से पहले होते थे, तो आवाज़ से कहाँ में एक तरह के एक्सचेंज हो जाते दोनों लिसनर्स के साथ। और 1965 के बाद वो बॉर्डर क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो गया, एक तरह के वो वही मोमेंट है जिसके वो परमानेंट हो गया। उसी वक्त में एक प्रोग्राम बन गया था जो उस वाले कनेक्शंस देते थे अक्रॉस इट, जो एक ब्रिज बन गया है, जो सरहद बनी है, उस सरहद के बीच में एक पुल है जो दोनों देशों को कनेक्ट कर रहा है थ्रू द वेव्स। या एंड इट वाज इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट, सो इफ यू टॉक टू एनीवन ओवर द एज ऑफ 70-75, दे विल लाइकली रिमेंबर आवाज़ दे कहाँ है इन पाकिस्तान एंड इन नॉर्थ इंडिया। एंड द अदर थिंग इज यू से, हाउ डिड दे डू इट, इट वाज नॉट द गोल ऑफ द प्रोग्राम, इट वाज नॉट रियली व्हाट द इंडियन गवर्नमेंट वाज पेइंग फॉर। There was a subversiveness to the All India Radio Urdu service in which they created that connection and focused on that connection and kept on going with that connection. And they treated their listeners in India with as much respect and interest as they treated their listeners in Pakistan, which was their target audience. Jaise radio logo ki kahani ki zaban mein hote hain. And this is not expressed outwardly. क्योंकि वो उसका वो मकसद नहीं था, आप प्रोग्राम्स को सुनने की ज़रूरत है समाइनों से, लिसनर्स वो आपको इनसे पूछने की ज़रूरत, तब पता चलता है। एंड या द लेटर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, सो आई थिंक वन ऑफ द नाइसेस्ट पार्ट ऑफ कंडक्टिंग द रिसर्च वाज बीइंग एबल टू लुक एट दोस लेटर्स। और जब हम लिसनर से बात करते थे, उनकी कहानियाँ सुनते थे, अरे ये कहानी चलते, ये प्रोग्राम चलते थे ब्रॉडकास्टर से, बस आखिरी सवाल मेरा है, आपने बताया कि इस किताब को लिखने के लिए आपको 10 साल का समय लगा, आपने तमाम, आप तीनों देशों में गए, आप श्रीलंका भी गए, आप पाकिस्तान भी गए, आप हिंदुस्तान में भी रहीं, ये जो आपका पूरा सफ़र रहा, ये आपका, आप अगर इसे सम अप करना चाहें तो आप किस तरह से करेंगे, आपका क्या तजुर्बा? In between places, in many ways, in between Mexico and the United States. So when I did this book and when I began this research, I wanted to focus those in between places, people that are around. So I found it unbelievably fulfilling to be able to do that by traveling to different places, by speaking to different people. And I realized that in many scholarships, we tend to, in many scholarship and in our daily lives, we tend to give गवर्नमेंट्स अ लॉट ऑफ पावर, वो है, लेकिन हम लोगों की ज़िंदगी में अलग अलग तरह होते हैं उसको रिसिस्ट करने का। एंड इन डूइंग द बुक आई वॉज एबल टू शुड फोकस दैट एंड सी दैट वे ऑफ पीपल लाइव्स, राइट, एंड हाउ इम्पोर्टेंट दैट वाज। डू यू फील दैट रेडियो और द साउंडस्केप हैज़ बीन अ मीडियम ऑफ रेजिस्टेंस? आई मीन आई वुडंट यूज रेजिस्टेंस, आई मीन इट हैज़ ऑल्सो बीन अ मीडियम इन विच इट वॉज यूज टू प्रमोट नेशनलिज्म, इट वॉज वेरी सक्सेसफुल इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द 1965 वॉर,
It was successful to a certain degree during the 1950s, uske baad nahi hai, and it can be used. But in the midst of all that, listeners and broadcasters found ways to, I say, find their own space in it. And it's a broadcast medium that is often thought as one in which those at the other side, listeners, have no power. And yet they found ways to find that. So I found that very fulfilling. And the other thing I found really fulfilling is kitne zyada tayar log the humse baat karne ke liye, documents dikhane ke liye. To wo letters, for example, wo radio stations mein nahi hai. Kyunki save nahi kar sakte the, itne the ki nahi ho sakte the. Lekin broadcasters apne paas rakhte the. Aur jab hum in logon se baat karte the to dikhate the. Kitne tayar log the wo knowledge hamare saath share karne ke liye. And that was very fulfilling too. I think one of the best parts of the project. ये किताब हमें बताएगी कि भारत और पाकिस्तान की रेडियो हिस्ट्री जो है वो कहाँ से शुरू हुई थी और अब तक हम कहाँ पहुँचे हैं. ये किताब लिखने के लिए बहुत शुक्रिया वायर के स्टूडियो में आने के लिए. बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर हैविंग मी. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें. स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें.